दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CCNA जॉब के स्टार्टिंग सैलरी के बारे में, कि जो CCNA वगैरह कर लेते हैं हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स, तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, तो वो आज सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना IT इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से, इस छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, अगर आपने ये कोर्स कर रखा है तो इसमें होता क्या बेसिकली कि आप जब कोर्स कर लेते हो, कई इंस्टीट्यूट से किया, कई लोग जेटकिक से कर लेते हैं, या कोई आपने अगर किसी अदर इंस्टीट्यूट से करा है, तो दोस्तों मैं सीधी सी यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी में जा रहे हो। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है कि वो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको अराउंड 15-16 तक मिल जाता है एक स्टार्टिंग सैलरी। और अगर एक मल्टीनेशनल कंपनीज है तो वहाँ पर आपको अराउंड 20-22 तक ऐसा कुछ पैकेज वहां पे मिल जाता है। एंड दोस्तों, आपकी सैलरी 50% डिपेंड करती है आपके इंटरव्यू पे, कि आपने इंटरव्यू कैसे दिया है। क्योंकि जब भी आपने कभी अगर देखा हो तो वो कभी कभी कॉल पे बोल देते हैं कि सैलरी डिपेंड करेगी आपके इंटरव्यू पे, या वो उस कंपनी, या तो वो पहले मेंशन करके दे देते हैं, लेकिन जब आप पूछते हो कितनी सैलरी मिलेगी, क्या स्ट्रक्चर है सैलरी का, तो वो बोल देते हैं कि सैलरी आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती है। तो ये फैक्ट होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो सैलरी आपकी तब भी डिपेंड करती है, लेकिन एक अराउंड अराउंड पैकेज अगर देखा जाए यहाँ पे तो 15 के अराउंड होता है, 15-20 के बीच में आपको मिल जाएगा। एक प्राइवेट सेक्टर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और एक स्टार्टअप के लिए, यानी कि एक इनिशियल स्टेज के लिए अगर आपकी फर्स्ट जॉब है, तो आपको अराउंड अराउंड इतने तक का वहाँ पे पैकेज मिल जाएगा, 15-20 तक, यानी कि 22 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, लेकिन मेरा जहाँ तक आइडिया है वो इस स्टार्टिंग के लिए इसका 25 मैक्स होता है जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं। मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट सेक्टर की या एक मल्टीनेशनल कंपनी जो अपने में ब्रांड होते हैं, जैसे कि गूगल, अमेजोन या ये सब वगैरह, इनकी यहाँ पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो वहाँ पे वैसे भी बहुत ही कम लेते हैं फ्रेशर्स कैंडिडेट, एक्सपीरियंस कैंडिडेट, और आने वाले दिनों में इसकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ती रहती है। जब आपको 1 साल 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर 40-50 के अराउंड आपको मिल जाता है, अगर आपको 2 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस हो जाता है। सो आई दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने मिला। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। मेरे बाद भी अगर आपको कोई कमेंट्स है क्वेरी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑनस्पॉट आंसर चाहिए इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं वहाँ पे ऑनस्पॉट आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।